Today our topic is about simple machine क्या होती है? सिंपल मशीन होती है जो हम डेली लाइफ में मशीन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन। जैसे वो यूज नाइफ है ना, चाकू इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड इस्तेमाल करते हैं हम डेली लाइफ में, स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं एट आवर होम्स, तो दैट आर कॉल्ड सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जो हम डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम इजी बना सकते हैं। जैसे हम एक वेजिटेबल्स, वी हैव टू कट वेजिटेबल्स एट होम, तो उसके काटने के लिए, उनको काटने के लिए हम किससे इस्तेमाल करते हैं? नाइफ। तो वो क्या हो गए? सिंपल मशीन। उससे हमारा काम क्या होता है? आसान होता है। दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन हम उस मशीन को बोलते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो बहुत सारे सिंपल मशीन का बना होता है, वो मशीन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन की एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, फॉर एग्जाम्पल स्विंग मशीन। स्विंग मशीन जिससे हम कपड़ों को सिलाई मारते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्विंग मशीन। स्विंग मशीन में क्या होता है? उसमें हैंडल लगा हुआ होता है, फिर वो पहिया जैसा जो घूमता है वो होता है, उसमें नीडल लगी हुई होती है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, बाकी पार्ट्स होते हैं उसके, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लिकेटेड मशीन। समझ आया? अब जो मशीन्स होते हैं, मशीन्स में हम सिंपल मशीन्स के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जो होते हैं इनके मेन थ्री टाइप्स आते हैं। आप ऐसे पढ़ लिख सकते हो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में पहले आपको मैं बोलूंगी लीवर। क्या बोलूंगी मैं आपको? लीवर। लीवर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कैरी अ हैवी लोड, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉक्स। एक हैवी सा बॉक्स आपको, आप लाने जा रहे हो उसको, आपको वो यहाँ से उधर दूसरी जगह पे ले जाना है उसको, तो हैवी बॉक्स को उठाने ऐसे तो हम उसको पुश नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉक्स ज्यादा हैवी है, तो हमारा हम उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं होगा। उसके लिए हमें किसी मशीन का जरूरत पड़ेगी ताकि वो इजीली हम मूव कर सकते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह। समझ आया? तो उसके लिए हम यूज करेंगे लीवर। टेक दिस एज अ रॉड, आयरन रॉड, वो ऐसा ही होता है ना, आयरन रॉड जैसा। तो इसको जब हम उठाने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमें किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस सपोर्ट पे जो लोड होगा, जो एफर्ट्स होंगे, लोड होगा उसका प्रेशर जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पाइवट। क्या बोलते हैं? पाइवट। और जो ये हमने ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या ब्रिक जो भी हम यूज करेंगे उसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे? फल्क्रम। क्या बोलेंगे उसको? फल्क्रम। तो जो ये लीवर होता है, अब ये थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम इज एट द सेंटर। फल्क्रम इज लोकेटेड एनीवेयर बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। यू कैन से जो लोड फल्क्रम होता है वो कहाँ पे होता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड एंड एफर्ट के बीच में फल्क्रम है। ये आपका लोड है जिसको आपको उठाने जाना है या क्या करना है, तो दूसरा आपका एफर्ट हुए, जो एफर्ट्स होंगे, जो एनर्जी आप लगा रहे हो उस चीज को उठाने के लिए। आया समझ? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसकी है सीजर। क्या है? सीजर। कंची। कंची को आप, अगर आप, मैं इसकी शेप बनाऊंगी यहाँ पे, दिस इज एन सीजर, दिस इज ए सीजर, तो यहाँ पे जो ये वाले हैंडल्स है यहाँ पे हम हाथ पकड़ के इसके एफर्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफर्ट्स लगा रहे हैं जो चीज हमें कट करनी है। फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ और पेपर है ना, उसको काटना है, वो बहुत सफेद है, हम एफर्ट्स किससे लगा रहे हैं? हम एफर्ट्स काटने के लिए लगा रहे हैं हाथ से इस साइड पे, तो यहाँ पे हमारा लोड हो गया है ना, कंची के बीच में, तो जो ये पॉइंट हो गया सेंटर जो ये है कंची का, सीजर का, इसको क्या बोलेंगे हम? फल्क्रम। सो टू डिफाइन फर्स्ट क्लास लीवर, यू कैन से इन फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज एट सेंटर। फल्क्रम इज लोकेटेड एनीवेयर बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम। कहीं पे भी लोकेटेड होगा, लेकिन हमेशा लोकेटेड होगा किनके बिटवीन?
लोड और एफर्ट एफर्ट्स के बीच समझ आया इन दोनों के बीच में वो होगा नेक्स्ट आ सेकंड क्लास लिवर दूसरा है सेकंड क्लास लिवर सेकंड क्लास लिवर जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सेकंड क्लास लिवर जो होता है हमारा सेकंड क्लास लिवर आपको क्या करना पड़ेगा लिवर सेकंड क्लास लिवर में हम क्या देखते हैं जो लोड होता है वो होता है बिटवीन फल्क्रम एंड द इफर्ट देखो यहाँ पे मैंने लिखा था फल्क्रम बीच में यहाँ पे क्या होता है बीच में लोड और यहाँ से क्या है और यहाँ से क्या है यहाँ पे आ गया आपका फल्क्रम और यहाँ पे क्या होता है एफर्ट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सेकंड क्लास लिवर में क्या होता है सेकंड क्लास लिवर में होता है फल्क्रम और इफर्ट्स के बिटवीन लोड होता है अब लोड आ गया बीच में फल्क्रम साइड में आ गया इफर्ट्स की साइड में आ गया फल्क्रम आपको पता ही है जो हम यूज कर रहे हैं एज अ सपोर्ट टू द लिवर वो आया साइड में लोड हो गया हमारा बीच में और इफर्ट्स इफर्ट्स इज द एनर्जी दैट वी आर यूटिलाइजिंग टू कैरी द लोड आउट टू स्क्वीज द लेमन फॉर एग्जाम्पल है ना उसको निचोड़ने के लिए आप पेपर को काटने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम एफर्ट्स बोलेंगे तो लोड और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सेकेंड क्लास लिवर की क्या हो सकती है इसका मैं आपको बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल लेमन स्क्वीजर लेमन स्क्वीजर ये भी एक एग्जाम्पल है अगर आप लेमन स्क्वीजर को याद करोगे घर में होगा ना तो लेमन स्क्वीजर की शेप कैसी होती है समवर्ट लाइक दिस ऐसे हो गया इसमें हम लेमन रखते हैं ऊपर से इसको ऐसे प्रेस करते हैं डिप्रेशन सा होता है आया समझ तो लेमन स्क्वीजर को हम कैसे यूज करते हैं हम इफर्ट्स किसको लगा रहे हैं नींबू को निचोड़ने के लिए तो उस नींबू को निचोड़ने के लिए हम इफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो इफर्ट्स है ना साइड पे इफर्ट्स है साइड पे हमारा लोड क्या है लेमन नींबू है हमारा लोड और लेमन स्क्वीजर जो बना हुआ होता है वो ऐसे बना हुआ होता है ऐसे होता है फिर ऊपर से ऐसे दूसरा डिप्रेशन होता है जिसमें इसमें हम नींबू रखते हैं ऊपर से इसको प्रेस करते हैं जो आगे वाला पॉइंट है ना ये yes, तो ये क्या हो गया हमारा फल्क्रम क्या हो गया फल्क्रम तो फ्रॉम सेकंड लेवल क्लास लेवल यू अंडरस्टूड कि क्या होता है यहाँ पे क्या होता है सेकंड क्लास लेवल में क्या होता है सेकंड क्लास लेवल में होता है फल्क्रम और इफर्ट्स के बीच में क्या होता है लोड है सेकंड क्लास लेवल तो same thing case of this carriage आया समझ इसको हम बोलते हैं wheel barrow क्या बोलते हैं इसको wheel barrow wheel wheel barrow अब इसने इसमें बच्चों को डाला है otherwise wheel barrow is a carriage that is used to carry heavy loads like cement bags है ना gravel उसमें gravel sand etc हम carry करते हैं from one place to another तो ये जो दिखा रहा है इसमें से बच्चे carry कर रहे हैं तो what is the load जो टायर को कनेक्ट कर रही है रॉड उसका पॉइंट जो है वो क्या एक्ट करता है फल्क्रम तो लोड आ जाता है बीच में समझ है सेकंड क्लास में आपको सिंपली याद रखना है लोड इज बिटवीन फल्क्रम एंड समझ आया Now the third class lever. Third class lever में क्या होता है? किसी को पता है third class में क्या होता है? Effort between the fulcrum. शाबाश. पहला class जब हमने पढ़ा third class. First में क्या हमने देखा? First में fulcrum किसके between था? Lord and effort. हाँ, so second में क्या है? Lord किसके between है? Fulcrum and effort. Third में क्या होगा? इसमें इफर्ट है लोड है इफर्ट बीच में है यहाँ पे फल्क्रम है और यहाँ पे क्या है लोड समझ आया यस सर इन थर्ड क्लास लिवर इफर्ट इज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड वंस अगेन आई रिपीट जो फल्क्रम है व्हाट इज फल्क्रम फल्क्रम जो है इट इज
exercise is support. For example, wooden block. Take an example of wooden block in triangular shape. ऐसे हम इसको फलक्रम प्रोवाइड कर सकते हैं लोड को. लोड आपको पता है, लोड हैवी लोड भी हो सकता है, उससे लाइट भी हो सकता है. लोड है वो चीज जिसको हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम इफर्ट्स लगा रहे हैं. तो इफर्ट आएगा. तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टोंग्स. क्या है एग्जाम्पल बेस्ट? टोंग्स. अभी नहीं आना टोंग्स. तो टोंग्स जो है इसकी एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है टोंग्स. टोंग्स में लोड कहाँ पे होता है? बीच में. बीच में है लोड. समझ आया? टोंग्स समझते हो? चिमटी जिसको बोलते हैं, चिमटा. तो चिमटी या चिमटा भी होता है. तो इसमें लोड होता है बीच में. आया समझ? लोड इफर्ट्स कहाँ लगा रहे हैं हम? इन दोनों के ऊपर. और जो पीछे ये पॉइंट है चिमटे का, तो इसको क्या बोलेंगे? फुलक्रम. तो इफर्ट्स कहाँ पे आ गया? बीच में. लोड और फुलक्रम के बीच में. फुलक्रम के बीच में. तो ऐसे आपको अंडरस्टैंड हुआ कि लोड क्या होता है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. सिंपल मशीन्स. व्हाट इज अ मशीन? मशीन इज दैट डिवाइस दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. आया समझ? दैट कैन मेक आवर डे टू डे लाइफ वर्क इजियर. आया समझ? जैसे हम घर पे क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं हम, जैसे नींबू निचोड़ते हैं, कपड़े को काटना पड़ता है, तो इन चीजों में, या घास काटने की मशीन होती है, इन सब चीजों में हमें क्या करना पड़ता है? इफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो इफर्ट्स कम करने के लिए हम यूज करते हैं मशीन का. एंड मशीन आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन. सिंपल मशीन कौन सी मशीन होती है? सिंपल मशीन इज दैट टाइप ऑफ मशीन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. लाइक हम यूज करते हैं नाइफ्स टू फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, है ना? तो वो हो गई हमारी सिंपल मशीन. कॉम्प्लेक्स मशीन. कॉम्प्लेक्स मशीन इज मेड अप ऑफ वन और मोर सिंपल मशीन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉम्प्लेक्स मशीन में, किसकी? सिविंग मशीन की, कपड़े सिलने की मशीन. उसमें हैंडल लगा हुआ होता है, नीडल लगी हुई होती है, बाकी पार्ट्स उसमें सिंपल मशीन एक्ट करते हैं. तो सिंपल मशीन इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन. जो सिंपल मशीन है, अब हम उस पे जाएंगे. सिंपल मशीन में पहला आता है लिवर. क्या आता है? लिवर. लिवर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है? लिवर जो होता है, लिवर में मेन पार्ट होते हैं, लोड होता है उसमें, फल्क्रम होता है और पाइवोट होता है. लिवर को हम यूज करते हैं टू मूव द हैवी लोड्स. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैवी बॉक्स मेड ऑफ आयरन. उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. उसको हम क्या बोलेंगे? फल्क्रम. फल्क्रम का सेंटर जो होता है, जिसपे ये बैलेंस हो रहा है हमारे एफर्ट्स, हमारा जो हम जो इफर्ट्स लगा रहे हैं और लोड जो बैलेंस हो रहा है वहाँ, उस पॉइंट को हम पाइवोट पॉइंट बोलते हैं. पाइवोट बोलते हैं, दैट इज द सेंटर पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट. ऐसा मैं उसको क्या बोलते हैं? पाइवोट पॉइंट. तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? लिवर का इस्तेमाल करेंगे. नाउ जो लिवर होता है, इट गोस थ्री टाइम्स. एक होता है फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास है थर्ड क्लास लिवर. फर्स्ट क्लास लिवर में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट क्लास लिवर में क्या होता है, सीजर की एग्जाम्पल दी मैंने, उसमें फल्क्रम, सॉरी इसमें क्या होता है, उसमें लोड होता है बीच में फर्स्ट क्लास में, एंड इफर्ट्स और किसके बिटवीन होता है? वो फल्क्रम के बिटवीन. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी आपको कैंची की, सीजर की. और अदर एग्जाम्पल इज सीसा. सीसा में लोड कहाँ पे है? साइड्स पे, है ना? इफर्ट्स कहाँ पे लगा रहे हैं? यही पे ना. तो ये क्या हो रहा है हमारा? फल्क्रम. लोड कहाँ पे है? साइड पे. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्लास लिवर. सेकंड क्लास लिवर में क्या होता है? सेकंड क्लास लिवर में लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द इफर्ट. बेस्ट एग्जांपल इज लेमन स्क्वीज़र. लेमन स्क्वीज़ करने के लिए, नींबू निचोड़ने के लिए हम इस सिंपल मशीन का इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या होता है? लोड हमारा बीच में है. समझ आया? इफर्ट हम पीछे से लगा रहे हैं, और जो पॉइंट आगे है, जो लेमन स्क्वीज़र को स्क्वीज करने के बाद जो पॉइंट आता है, बीच जो आगे वाला होता है, जिससे दो पार्ट्स अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं लेमन, वो जुड़े हुए होते हैं, या तो वो कील से होता है या तो छोटी सी तार से होता है, उसको हम फल्क्रम बोल सकते हैं. ना थर्ड क्लास लिवर में क्या होता है?
if what is in between fulcrum and load? Load होता है एक साइड से, फलक्रम होता है एक साइड से. इसकी एग्जांपल मैंने आपको टोंग्स बोला है, चिमटा. चिमटे में क्या होता है, इफर्ट्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना. चिमटे की एग्जांपल मैंने आपको बेस्ट दी. यहाँ पे हम इफर्ट्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा लोड है, फॉर एग्जाम्पल कोयला उठाना है या कुछ भी करना है, यहाँ पे हम हैंड से इफर्ट्स लगा रहे हैं. आया समझ? तो फलक्रम कहाँ पे हमारा? तो ऐसे हम इन चीज इस सब का इस्तेमाल करने से हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को इजियर बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन. एंड व्हाट इज लिवर? लिवर इज अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन एंड इट हैज थ्री टाइप, क्लास फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर. बस